स्पेशल टेस्ट मैच है मोहाली में और विराट कोहली अपने टेस्ट करियर के 100वें टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बीसीसीआई ने इस मैच में दर्शकों को भी मैच देखने के लिए इजाज़त दी है, और इसी वजह से जो दर्शक है मैदान में बैठकर ये ऐतिहासिक जो टेस्ट मैच है वो देख पाएंगे। विराट कोहली इतने दिनों से बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बाद अब दर्शकों के सामने ये मैच खेलने का मौका उनके सामने भी है। मैं कुंतल चक्रवर्ती आपके सामने और मेरे साथ है जीएस वेक। जीएस, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच है, माइलस्टोन टेस्ट मैच है, लेकिन आप अगर विराट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। देखिए भारतीय क्रिकेट में अग्रेशन लाए हैं, इतना सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन है, हर जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वहाँ जाके रन्स बनाए हैं, लेकिन आज 100वें टेस्ट मैच से पहले सबसे अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है यहाँ तो क्या बताएंगे आप? सी कुंतल, विराट और मेरा बहुत लंबा सफ़र है। इनफैक्ट विराट के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने लिखा हो तो इंडियन एक्सप्रेस में, तब मैंने लिखा था एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस किड वॉकिंग इन एंड कि हैप्पीली कहते हुए कि मेरा फ़ोटो लगा दो क्योंकि मेरे रन बनाए हैं। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। उसको मैंने पहला मैच जब कवर किया तो पिकनिक हट में हेड बैट पहन के ऐसे फास्ट बॉलर आके बॉल डाल रहा था। आई हैव गॉट ग्रेट मेमोरीज ऑफ विराट, बट जब भी मैं विराट की बात करता हूँ तो मुझे बैट्समैन, उसकी बैटिंग के बारे में हर कोई कहता है। मेरे लिए विराट इज़ समथिंग हु हैज़ रीडिफाइंड इंडियन क्रिकेट। एंड व्हेन आई से रीडिफाइंड, गांगुली वॉज वेरी अग्रेसिव, ठीक है, एम एस धोनी वॉज ऑल्सो इक्वली अग्रेसिव, बट इन अ वेरी साइलेंट मैनर, ही वॉज साइलेंटली अग्रेसिव। विराट फॉर मी इज समवन हु हैज रीडिफाइंड वॉट इट टेक्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एट दैट लेवल। जो ट्रांसफॉर्मेशन उसने किया है अपने आप को, अपनी टीम को, और एक ऐसा एटमोसफेयर बनाया अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स को लेकर, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है विराट के, मेरे लिए विराट के बारे में। विराट इज़ वन जिसने इस जनरेशन को, जो T20 के जनरेशन रह रहा है, उसको ये बार बार बताना और फील कराना और लीडिंग बाय एग्जांपल दैट टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट गेम इन क्रिकेट एंड अल्टीमेट फॉर्मेट, वो चीज़ मेरे लिए विराट सबसे ज़्यादा डिफाइन करता है। सो देर आर सो मेनी पीपल हु विल टॉक अबाउट हिज बैटिंग एंड कैसे उसने ड्राइव मारे, क्या उसने शानदार इनिंग्स खेले, उसने इतने शतक मार दिए और 100 वो मार सकता है। तो मेरे लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि विराट अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि ऑफ ऑल द 100 ही हैज़ मेड, दिस 100 इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज ही टिपिफाइज वॉट टेस्ट क्रिकेट इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर जनरेशन। उसका पैशन फॉर रेड बॉल क्रिकेट, घंटों घंटों तक बैटिंग करना, वाइट बॉल क्रिकेट में डोमिनेट करता है, अलग चीज़ है, लेकिन अंदर से वो एकमात्र ऐसा क्रिकेटर है जिसको रेड बॉल क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ही हैज़ चेंज द वे हाउ इंडियन क्रिकेट शुड बी। लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं कि यो टेस्ट मैंडेटरी कर दिया, ये कर दिया, लेकिन अगर आज की तारीख में इंडियन टेस्ट क्रिकेट इतना ऊपर गया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फिटनेस लेवल्स। बिल्कुल, और सभी क्रिकेटर्स को पता है कि उनको फिट रहना है, अब तभी एंट्री टिकट आपको मिलेगी भारतीय टीम में, आपको तब आप जाकर खेल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए कि मुझे तो लगता है कि अगर विराट कोहली के टॉप 5 इनिंग्स चुनना है, दर्शक शायद सभी सहमत नहीं होंगे, अलग अलग चॉइसेस हैं, मुझे अगर टॉप 5 इनिंग्स पिक करना है विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में, तो आई वुड पिक 5 इनिंग्स। देखिए पहला शतक बराबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आपको पता है वो कि पहला शतक जब आप मारेंगे तभी जाकर आपको एक वो विश्वास जो है, सेल्फ बिलीफ जो है वो मिलने लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए आई वुड पिक दैट फर्स्ट जो सेंचुरी है एडिलेड ओवल में विराट कोहली 2012 में, और तभी वो स्ट्रगल भी कर रहे थे और ऐसा वो ड्रॉप होने वाला था उस मैच से पहले। बिल्कुल, और तभी शायद वीरेंद्र सहवाग ने कहा था नहीं नहीं इनमें स्पेशल टैलेंट है, और शायद तब जाकर विराट कोहली को एक एक्स्ट्रा टेस्ट मैच मिल गया, तो एडिलेड ओवल में उसी टेस्ट मैच में उन्होंने शतक जड़े थे। मैंने मुझे याद है मैं टेस्ट मैच कवर भी किया था, उससे पहले भी वो 175 बनाए थे ज़रूर, लेकिन पर्थ में एक उससे एक साल पहले, लेकिन वो टेस्ट मैच जो है बहुत ही स्पेशल टेस्ट मैच विराट कोहली के लिए। तो देखिए वो शतक के बाद
फिर से 2014 में जब भारतीय टीम वहां गई खेलने के लिए, और फिर से एडिलेड में वो एक ही टेस्ट मैच में दो दो शतक मारने के बावजूद भी वो टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई थी, वो भी बहुत स्पेशल मैच है वो। शायद रिद्धिमान साहा वो वहाँ अगर और टिककर खेलते, स्टंप हो गए थे, वो टेस्ट मैच शायद जीत भी सकती थी भारतीय टीम, लेकिन स्पेशल पारिया वहाँ खेली उन्होंने और दोनों शतक मारने के बावजूद भी मैच हार गई थी भारतीय टीम। बेसिन रिजर्व में 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच ड्रॉ रहा था उसमें भी विराट कोहली ने जो शतक मारा था, मुझे लगता है कि स्पेशल इनिंग्स है। और सेंचुरियन में 2018 सीरीज में ही प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक 153/54। उस टेस्ट मैच में भी वो बहुत डिफिकल्ट पिच पर वो मैच भारतीय टीम खेल रही थी, और विराट कोहली जिस तरह से डोमिनेट किया था सारे गेंदबाजों के ऊपर, दक्षिण अफ्रीका के टॉप जो गेंदबाज उनके खिलाफ जिस तरह से डोमिनेट किया था, और इतने अच्छे बल्लेबाज, इतने महान बल्लेबाज हैं, उनकी जो करियर है, करियर में से 5 इनिंग्स चुनना बहुत आसान नहीं है। शायद बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो सहमत नहीं होंगे कि ये 5 ही टॉप 5 है, लेकिन मुझे लगता है अगर इफ़ यू आर आस्किंग मी देन दीज आर द 5 नॉक्स आई थिंक बहुत है। जैसे डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड जो उन्होंने मारे, तो वो एक और अच्छा इनिंग है, एक अच्छा अटैक के साथ था। ऑस्ट्रेलिया की जो पारी की आपने बात करी उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मिचेल जॉनसन वॉज एट इज बेस्ट और बहुत फायरी बॉल डाल रहे थे, और इंडियन टीम ने ये प्री मैच मीटिंग में प्लान किया था कि मिचेल जॉनसन को हुक नहीं मारना है, और यही डिसाइड किया गया था। और उसके बाद मिचेल जॉनसन को जब ये पता चला कि दे आर नॉट प्लेइंग द पुल शॉट, तो वो और ज़्यादा भारी हो रहा था, एंड डिस्पाइट डिसाइडिंग दैट दे विल नॉट प्ले द पुल शॉट, विराट रियलाइज कि आपको अगर मिचेल जॉनसन को ख़त्म करना है तो उसको पुल मार के ही ख़त्म करना है, एंड ही टुक हिम ऑन एंड ही सक्सीडेड। दैट्स वॉट मेक्स विराट वेल वेरी वेरी डिफरेंट। पिच के अंदर बहुत सारे वर्बल वॉलीज जो है वो एक्सचेंजेस भी देखने को मिला था, और मैच ज़्यादा हीटेड अप हो गया था इस वजह से। लेकिन विराट कोहली मतलब ये भी स्पेशल है विवेक, कई बार ऐसा होता है कि जब जो गेंदबाज है, टॉप के गेंदबाज है, वो चाहते हैं कि बल्लेबाज जो है वो उनसे ज़्यादा बात करे, उस तरह के एक्सचेंजेस हो, उसके बाद वो शायद वो अपना जो टेम्परमेंट है वो खो बैठेंगे और शायद एक लूज शॉट खेलेंगे, आउट हो जाएंगे। लेकिन विराट जो है इस तरह के एक्सचेंजेस जब ज़्यादा हुए हैं, और विराट उसके आगे जाकर और भी बेहतर क्रिकेट खेला, ये सबसे खास बात है। शायद कोई भी बल्लेबाज में ये नहीं है दुनिया में, क्योंकि एंड एक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कुंतल, जो आज हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके का विकेट है उस तरीके का क्रिकेटर, बड़े से बड़े विराट कोहली एकमात्र कप्तान है जिसने अपनी टीम के वाइस कप्तान को ड्रॉप किया है। सो एंड उसने कभी भी सोचा नहीं है, 5 बॉलर की थ्योरी जो आज बहुत सक्सेसफुल हुआ है विराट हैज मेड। तो एक ट्रांजिशन जो विराट कोहली ने किया है अपने क्रिकेट में, इंडियन टीम के क्रिकेट में, दैट इज़ वॉट डिफाइंस विराट कोहली एज अ क्रिकेटर। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि विराट से जब मैंने एक बार पूछा कि आप बहुत बुरी तरह हार के आए हो, बाहर से ग्रीन विकेट दे देते हैं, तो अब आप क्या करोगे और अब हमें भी यहाँ अखाड़ा देना चाहिए, तो विराट ने कहा कि अखाड़े में तो आप किसी को भी खिला दो, हमसे कोई जीत नहीं सकता है। कहता चैलेंज यही है कि हम घर पे भी अच्छे विकेट पे फास्ट बॉलर से उनके 20 विकेट गिराएं, और वो उसने कर दिखाया। दैट्स व्हाट मेक्स विराट वेरी वेरी डिफरेंट। और मुझे लगता है, मुझे आप अगर ये कहते हैं कि एक कोई कोट जो है, एक कोई लाइन मुझे अगर सबसे स्ट्राइकिंग लगा विराट कोहली के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इंटरव्यूज हो, कुछ भी इतने सालों में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद अभी आ गया है कि जिसमें किसी ने उनको सवाल किया था कि आप जो इतने सक्सेसफुल है, इतने इतने रन्स बना रहे, सबसे की क्या है, व्हाट इज़ द की, तो ही सेड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी बोरिंग। तो किसी ने कहा कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ, तो बोला हाँ, मतलब आपके साथ जो रहते हैं आप, बाहर से आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत फ्लैम्बॉयंट हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो रहते हैं उनको पता है मैं कितना बोरिंग हूँ, क्योंकि वही 5:30 बजे आप उठो, वही 6 बजे जिम में जाओ, वही 8 बजे वही सेम नाश्ता एवरीडे आपको करना है, 8-12 बजे आप आओ, वही टाइम में लंच करो, 2 घंटे सो, सुबह का प्रैक्टिस, उसके बाद दोपहर को वापस से जिम, 6 बजे वापस से जाके जो टीम मीटिंग होता है वही करो, और सेम प्रैक्टिस शेड्यूल डे इन डे आउट। सो यू हैव टू वर्क लाइक अ मशीन इन ऑर्डर टू
हैंडल दीज काइंड ऑफ बॉलर्स हु आर टॉप इन द वर्ल्ड. तो उनको ही पता है जो मेरे साथ रहते हैं कि मैं कितना बोरिंग हूँ. और सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के जितने भी चैंपियंस हैं, बीट रॉजर फेडरर, बीट उसेन बोल्ट, राफेल नडाल, टाइगर वुड, सभी ऐसे ही हैं. तो दिस इज़ द की, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी बोरिंग. तो ये कोट मुझे याद रहेगा. और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि वो बोरिंग रहना चाहता है लेकिन बाई बींग बोरिंग ही इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ थ्रिल एंड यू नो लॉट ऑफ एक्शन to everyone who is watching him bat. And I'm very fortunate and so are you ki is pure 100 test match ke journey mein uske starting ke career se lekar abhi tak we've been able to cover, sit, interact with him in person. Aur bahut chune chune moments like ab wo father wala match, I was the only journalist there covering that particular game, so I know what it took from Virat to do that. And his debut, his test debut, when he became the test captain, bizarre decisions jab wo leta hai. Magar honestly mujhe abhi bhi Kuntal ek cheez hai, main is Virat Kohli ko pehchanta nahi hu, kyunki and that is what his success is. Ye wo Virat Kohli tha jo 15-15 kilometer drive karke jata tha kyunki usko chhole bhature khane ka man kar raha hai. और आज वो इतना हेल्दी फूड करके ग्राउंड के 15 किलोमीटर भाग लेता है ताकि वो अपनी क्रिकेट को अपने टॉप नॉच लेवल पे खेले. अब वहाँ तक पहुँचना आसान है, बहुत लोग पहुँच जाते हैं. वहाँ टॉप पर रहकर आप लगातार टॉप पर रहें, वो एक सेपरेट चैलेंज है विच पीपल लाइक उसेन बोल्ट, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल. ही टोल्ड मी, मैं नडाल को फॉलो करता हूँ कि जिस तरीके से वो बॉटल एक एक करके रखता है, मैं भी अपने बॉटल्स रखता हूँ, मैं भी अपने सामान को टच रखता हूँ. क्योंकि वो एक छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो आपको ऑर्गेनाइज बनाता है, जो आपको बताता है कि आपको अपने लाइफ में कैसे बेटर करना है. ही हैज़ नेवर बीन अशेम्ड टू लर्न फ्रॉम पीपल एंड डिस्पाइट ही इज़ अ सुपर स्टार, ही इज़ गॉट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. लेकिन अगर आज भी उसको कोई लड़के में कोई चीज़ अच्छी दिखती है या उससे वो सीख सकता है तो वो सीखता है. और एक कोच के साथ अभी तक उसने अपनी 100 टेस्ट मैच की जर्नी रखी है. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मेक्स हिम वेरी वेरी ग्रेट, दैट ही इज स्टक टू हिज रूट्स. और वो हमेशा अपने कोच के साथ बात करता है, अपनी गेम पर बात करता है. अभी भी लोग कहते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर वो आउट हो रहा है. आउट होता है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आउट होते हैं, लेकिन वो उसको बैलेंस आउट कैसे करता है. इतना लंबा पर्पल पैच मंतल 2010-11 से लेकर 2020 और सबसे बुरे दिन में भी उसके एवरेज बाकियों से ज़्यादा. That too in all three formats of the game. इतना लंबा पॉप पैच मैंने नहीं देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी क्रिकेटर का. सचिन इज अ क्लोजेस्ट वन, लेकिन इतना लंबा पर्पल पैच जब उसने डोमिनेट किया हो, दैट मेक्स हिम वेरी वेरी स्पेशल. सो दैट इज व्हाई ही इज स्पेशल. और ये 100वां टेस्ट मैच है मोहाली में और सभी का इंतजार यही है. जो ये बैट पैच है फिलहाल जो चल रहा है नवंबर 2019 से, तो क्या वो ख़त्म होगा? तो अब यही उम्मीद है शायद विराट कोहली एक स्पेशल नॉक यहाँ खेलेंगे, क्योंकि वो प्रिपेयर भी किए हैं. क्योंकि इससे पहले जो लिमिटेड ओवर्स मैचेस हुए हैं वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने वहाँ से ही ऑप्टेड आउट एंड ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ वेल बिफोर दिस टेस्ट मैच. जो करना चाहिए था वो किया है. अब उम्मीद तो यही है कि एक स्पेशल पारी देखने को मिलेगा मोहाली में. तो मैच से पहले भी हम लोग वापस आएंगे और बताते रहेंगे, सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.